देश कोरोना से जूझ रहा है और इस महामारी के प्रकोप में आतंकी हरकतें करने से भी बाज नहीं आ रहे आतंकी संगठन। इस वक्त की बड़ी खबर है, शोपिया में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी का भाई एनकाउंटर में मारा गया है। शोपिया में कल से ही ये एनकाउंटर चल रहा था, सुबह तक 3 आतंकी मारे गए थे। अब खबर आ रही है कि बुरहान वानी का भाई इम्तियाज शाह भी मारा गया है। ये गजवाए हिंद का कमांडर था। इस वक्त की बड़ी खबर है, शोपिया में एनकाउंटर में बुरहान वानी का भाई मारा गया है। गजवाए हिंद का कमांडर था इम्तियाज शाह, इसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कुल मिला के 5 आतंकी आज सुबह से ढेर हो गए हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए आसिफ। विकास, निसंदेह एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ट्वीट की वजह से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि तो कर दी है कि अंसार गजवतुल हिंद का जो अमीर है, काजी इब्राहिम खालिद है, या जिसका असली नाम इम्तियाज शाह बताया गया है, उसको मार गिराया गया है। और उसके मारे जाने पर IGP की तरफ से सुरक्षा बलों को बधाई भी दी गई। लेकिन इस ट्वीट में जिस एनकाउंटर के बारे में बताया गया, उसमें कहा गया है कि त्राल में चल रही मुठभेड़ में इम्तियाज शाह मारा गया, जबकि कल शाम से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ये साफ तौर पर बता रही है कि शोपियां में मस्जिद में जो 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उनमें अंसार गजवतुल हिंद का प्रमुख इम्तियाज शाह भी मौजूद है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि अब कौन सी वाली मुठभेड़ में इम्तियाज शाह मारा गया है। लेकिन इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी है कि अंसार गजवतुल हिंद का प्रमुख इम्तियाज शाह मारा गया है। और 2 मुठभेड़ जो आज चल रही थी, जिनमें शोपियां में 5 मिलिटेंट और त्राल में 2 मिलिटेंट के मारे जाने की भी पुष्टि हो गई है, जबकि त्राल में अभी भी जमीन के नीचे एक बंकर नुमा हाइड आउट को खंगाला जा रहा है, जहां पे 2 मिलिटेंट मारे गए थे। लेकिन अब थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या इम्तियाज शाह त्राल वाली मुठभेड़ में मारा गया या फिर शोपियां वाली मुठभेड़ में। जी, चलिए ये कंफ्यूजन भी जल्दी दूर हो जाएगा आसिफ। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि इस वक्त सुबह से कल से चल रही मुठभेड़ में 7 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इसमें बुरहान वानी का भाई गजवाए हिंद का कमांडर इम्तियाज शाह भी ढेर हो गया है। गजवातुल हिंद का कमांडर था इम्तियाज शाह, जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये शोपिया की मस्जिद में छिपा हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पर 4 आतंकी पहले ही ढेर कर दिए गए थे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में कल से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं इम्तियाज शाह की है, ये बुरहान वानी का भाई बताया जा रहा है। ये बड़ी कामयाबी है। गजवातुल हिंद का ये कमांडर था जम्मू कश्मीर का, सुरक्षा बलों ने इसे कल घेर लिया था अपनी जान बचाने के लिए। ये शोपिया की एक मस्जिद में जाके छिप गया था। सुरक्षा बलों ने मस्जिद को नुकसान ना हो इसलिए तसल्ली बख्श ऑपरेशन किया। और अब ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बुरहान वानी का भाई और गजवातुल हिंद का कमांडर मारा गया है, ये इम्तियाज शाह मारा गया है। आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। आसिफ, ये किस तरह की वारदातों में, किस तरह की आतंकी हरकतों में शामिल था? विकास, देखिए, जो इम्तियाज शाह के बारे में जानकारी सामने आई है, उसमें उसके अनुसार वो 2019 से पहले भी मिलिटेंटों के साथ रहा था। और जो अंसार गजवतुल हिंद बनाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर मूसा के काफी करीबी था। जाकिर मूसा के करीब रहते हुए ही वो अंसार गजवतुल हिंद में शामिल हुआ था। और मई 2019 में जब जाकिर मूसा एक एनकाउंटर में त्राल में ही मारा गया, तो उसके बाद हमीद लिल्हारी अंसार गजवतुल हिंद का प्रमुख बना। तो उसके साथ ही जो खालिद था, इसको डिप्टी चीफ बनाया गया अंसार गजवतुल हिंद। यानी कुल मिला के देखे तो 2019 से ही दक्षिण कश्मीर में अंसार गजवतुल हिंद की कमान इम्तियाज शाह के साथ थी। उसके बाद हमीद लिल्हारी के 2020 में एक एनकाउंटर में मारे जाने के बाद इम्तियाज शाह को ही अंसार गजवतुल हिंद का कश्मीर का कमांडर बनाया गया था। और तब से ये ही दक्षिण कश्मीर में अंसार गजवतुल हिंद के कमान संभाले हुए था। लेकिन बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का ये कहना है, क्योंकि अंसार गजवतुल हिंद के कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे थे, इसीलिए यही माना जा रहा है कि हो यह अंसार गजवतुल हिंद जैश मोहम्मद के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहा था। और इसीलिए हो सकता है कि किसी बैठक के लिए ही शोपियां में ये सब एक साथ एकजुट होकर मिल रहे थे, जब सुरक्षा बलों ने इस कॉर्डन को अंजाम दिया और
उसके बाद मुठभेड़ में जो 5 मिलिटेंट्स अभी तक मारे गए हैं उनकी उनमें से बताया जा रहा है कि 3 जैश मोहम्मद से भी हो सकते हैं, जबकि 2 का ताल्लुक गजवतुल हिंद से बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सभी अंसार गजवतुल हिंद के थे या फिर इसमें जैश के मिलिटेंट्स भी शामिल है। लेकिन कुल मिला के देखें तो दक्षिण कश्मीर में पुलवामा से लेके शोपियां तक यानी 3 जिलों में अवंतीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा पुलिस डिस्ट्रिक्ट और शोपियां पुलिस डिस्ट्रिक्ट में ये खालिद शाह सक्रिय था। और देखा जाए तो क्योंकि ये जाकिर मूसा के भी करीब रहा था, बुरहान वानी के भी करीब रहा था, तो इसीलिए इसकी एक पहचान थी जिसकी वजह से ये युवाओं में यहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर माना जा रहा था, जिसके कारण माना यही जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो हाल फिलहाल के दिनों में कुछ युवा मिलिटेंट संगठनों में शामिल हुए, तो हो सकता है कि इसमें इसका भी रोल हो। लेकिन बड़ी कोई मिलिटेंट वारदात में ये शामिल नहीं रहा है क्योंकि अंसार गजवतुल हिंद के पास हमेशा ही हथियारों की कमी रही थी और इसलिए ये माना जा रहा है कि शायद जैश के साथ हाथ मिलाने के लिए ही ये शोपिया में आया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस बड़ी खबर के लिए। तो सुरक्षा बलों ने 5 से 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।